सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज जो मैं बिग बॉस के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स के नाम बताने जा रहा हूँ OTT3 का, जिन्होंने शो को रिजेक्ट कर दिया है, वो नहीं आएंगे दोस्तों। जी हाँ, तो आज वो कंटेस्टेंट्स हैं जिनका नाम वो नहीं आएंगे, उनको ऑफर किया गया था। अच्छे बड़े कंटेस्टेंट्स हैं दोस्तों। तो पहला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों मोहसिन खान का, जिनको हमने ये रिश्ता क्या कहलाता में देखा गया था। और एक है करण वाही, उन्होंने भी मना कर दिया शो को। मोहसिन खान, करण वाही, सुरभि चंदना, फिलहाल अभी अभी उनका शादी हुआ है, उन्होंने भी मना कर दिया शो में आने के लिए, क्योंकि अभी तो शादी हुआ है उनका, अभी बिग बॉस आएंगी है ना, घर बर संभाले क्यों बिग बॉस अभी है ना OTT3। कुंवर अमर, उन्होंने भी मना कर दिया है। और दिव्यांका त्रिपाठी, उन्होंने भी शो को मना कर दिया है। जेनिफर विंगेट, हर साल दिव्यांका और जेनिफर दोनों को हर साल बुलाया जाता है, लेकिन वो लोग शो को मना कर दिया उन लोगों ने। अभी दोस्तों यहाँ पर नुपुर सनोन ने भी मना कर दिया है, शो को रिजेक्ट कर दिया है। त्रिशाला दत्त, जो और एक नाम आया था, वो भी नहीं आएंगी मुझे लग रहा है। और कौन कौन था, अनुषा डांडेकर, उनको भी मना लग रहा है मुझे, नहीं आएगी वो। अनुष्ला कपूर, जो अर्जुन कपूर के बहन है, उनके भी चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे ना आने के, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। क्या होता है देखते हैं, अनिल सर है शायद, आ भी सकते हैं अनुष्ला कपूर, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है ना। तो अब दोस्तों देखना है कि शिवांगी जोशी जो है वो आएगी क्या नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी इंटरव्यू में उनको पूछा गया था कि क्या आप बिग बॉस में आएंगी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका। और ये एक नियम है, आप किसी भी शो में करने जाते आप पहले से नहीं बोल सकते जाके कि मुझे, मैं ये करने वाला हूँ ये शो, हमेशा एक मिस्ट्री बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे होते हैं कि आप ये शो कर रहे हो, आप ये करेंगे, तो आप किसी को बता नहीं सकते ये चीज़ कि आप ये करने वाले हैं ना। तो ये रूल है यहाँ सब हर जगह का, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहते हैं, कुछ चीज़ें क्लॉज होते हैं जो बताना नहीं है, सेम जो बिग बॉस में भी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखा जा रहा है, इन लोगों ने, कंटेस्टेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया है शो को, बिग बॉस OTT3 को। अब देखते हैं और कौन कौन है। मुझे लग रहा है दोस्तों जैन सेफी, जो राउंड टू हेल है, वो बिग बॉस 18 में आएंगे, बहुत चांसेस कम लग रहे हैं उनके आने के, है ना, 18 में आ सकते हैं वो। और अदनान शेख तो आएंगे ही। यहाँ पर दोस्तों अभी और एक बात ये है कि अनिल कपूर सर का फीस जो मैंने डाला था, तो आई थिंक 2 करोड़ है एक दिन का उनका, तो 4 करोड़ वीकेंड का वार, 2 दिन आएंगे वो, सैटरडे संडे, तो 4 करोड़ है फीस का, में थोड़ा फीस बहुत है, पर हमारे लिए तो बहुत है, पर उनके लिए वो बहुत कम होता है ना, क्योंकि वो लोग करोड़ों में उनका सैलरी होता है और हम लोग हज़ार में होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मुंबई जैसे शहर में अगर आपको रहना है ना दोस्तों, अगर आपको मुंबई में एक जुहू या बांद्रा में रहना है भाई, आपको करोड़ों रुपये कमाने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आप उस घर का टैक्स भरना है, बिल भरना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी बहुत होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही यहाँ पे 5-6 हज़ार आता है जिनके घर में एसी है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रिजेक्टेड, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है OTT3 को, इन कंटेस्टेंट्स के नाम मैंने बता दिया है। चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और भी अपडेट्स ला रहा हूँ मैं, है कि नहीं। चलिए थैंक यू भाई, और बाकी तो आने वाले हैं लगते हैं। अब जैन सेफी का मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है, बाकी देखते क्या होता है। अभी तो बहुत बड़ा मसला हो गया वो कंगना रनौत और वो CISF ऑफिसर का, क्योंकि वो CISF ऑफिसर की मम्मी वो किसान आंदोलन में बैठी थी वो, है कि नहीं। और एक स्कैम हो गया है नीट का, 67 बच्चों को सेम रैंक मिल गया है। देखिए दोस्तों, नीट एग्ज़ाम में भी स्कैम चल रहा है, आप सोच लीजिए, नीट ना इतना बड़ा लोग मानते इस नीट एग्ज़ाम को, ये अभी स्कैम हो पकड़ा गया है ना, अभी पकड़ा गया है, इसीलिए ये देखा नज़र में आया है। क्या पता ये पहले हो रहा होता, ऐसा पहले भी ऐसा होता था, ये नीट वाला जो स्कैम हुआ है अभी, जो 67 बच्चों का सेम रैंक आया है, तो ये पहले भी ऐसा होता था, पकड़ में नहीं आया है ना, इस बार भी नहीं आता, लेकिन पकड़ा गया इस बार। तो रिजल्ट भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आया था नीट का रिजल्ट 4 जून को, ताकि वो इलेक्शन का रिजल्ट में सबका ध्यान हट जाए और नीट रिजल्ट में किसी का इंपॉर्टेंस ना दे माइंड किसी का, है ना। लेकिन इस बार पकड़े गए हैं, तो नीट भैया, अब नीट क्या दोस्तों, हर चीज़ अब स्कैम हो चुका है दुनिया में, इस इंडिया में बोला,
सब कुछ स्कैम हो गया है, पेपर लीक हो रहे हैं एग्जाम के, जॉब नहीं मिल रहे, तो एवरीथिंग इज स्कैम, सब बिक चुका है, तो क्या कर सकते हैं बताइए, है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल वीडियो व्यू पे वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इन सब चचरों में पढ़ने का। आई वॉन्ट टू लिव ए वेरी क्लीन एंड पीसफुल लाइफ, है ना, मुझे वह एक शांति का लाइफ जीने का पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा पॉलिटिकल वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, व्यूज़ में नहीं देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे व्यूज़ शायद अच्छे नहीं लगेंगे किसी को, है ना। मेरे थोड़े अलग मेंटालिटी का हूँ मैं बहुत ज़्यादा अमेरिकन मेंटालिटी का हूँ मैं, थोड़ा मेरा जो मेंटालिटी है वो अमेरिकन थिंकिंग है, तो मेरा वो इंडियन थिंकिंग के साथ मेरा नहीं मिलता है, तो आप लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं पॉलिटिकल व्यू के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपना अलग, मेरा कंटेंट अलग होता है ना, जिनको अच्छा लगाता है देखते हो। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि स्कैम हो चुका है, संभल के रहिए जो भी करना है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मेरा वही कहना है। चलिए, थैंक यू भाई, किसी में कुछ बुरा लगे तो सॉरी, थैंक यू।